तो आज हम बनाने जा रहे हैं हमेशा के लिए जलने वाली सस्ती खुशबूदार और खूबसूरत मोमबत्ती। इतनी स्टाइलिश मोमबत्ती आपने कभी नहीं देखी होगी। इस कैंडल को घर में बनाना इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। जिस भी कमरे में आप ये कैंडल रखेंगे वो कमरा खुशबू से महक उठेगा, साथ में लाइट जाने की भी टेंशन खत्म। तो चलिए फटाफट से न्यू स्टाइल कैंडल बनाना शुरू। सबसे पहले हम एक इस तरह सा शीशे का गिलास लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी शीशे का गिलास ले सकती हैं। अब इसको हम आधा पानी से भर देंगे। अब इसमें जाएगा आधा कप ऑयल, जो घर में आप कुकिंग के लिए ऑयल इस्तेमाल करती हैं वही ऑयल इसमें डालना है। आप देख सकते हैं कि गिलास को हमने आधा पानी से भरा है और आधा ऑयल से। ऐसा करने से हमारी कैंडल हमेशा के लिए जलती रहेगी। खुशबू के लिए अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, खुशबू के लिए ही 1 अदद बादियान का फूल, 1 अदद बड़ी इलायची, कमरे में खुशबू फैलाने के लिए नींबू का छिलका, 2 स्लाइस नींबू के, जिससे आपकी कैंडल दिखने में स्टाइलिश लगेगी। अब इसमें जाएंगे डेकोरेशन के लिए वाटर बीड्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब इस तरह से हम एक पानी की बोतल लेंगे। अब इसके बॉटम को हम कैंची से इस तरह से काट लेंगे। इसकी साइडों को हम इस तरह से मजीद काट लेंगे। इसको हमने बिल्कुल गोल शेप देनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से गोल काटना है। अब कैंची या किसी भी छुरी की मदद से इसके दरमियान में होल करेंगे। अब बारी आती है रुई की, तो इस तरह से थोड़ी सी रुई लेंगे। इस रुई को हाथों की मदद से इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखें, बहुत आसान है, इस तरह से आपने बना लेना है। अब इस रुई को इस तरह से होल में डाल देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुई में धागा डालते हैं। इसको अब हम कैंडल में रखेंगे। प्लास्टिक को आपने इस तरह से पानी में डिप करना है जिससे ये जलेगा नहीं। अब हम इस कैंडल को जलाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरत कैंडल बनकर तैयार हुई है। यकीनन आज से पहले आपने इस तरह की कैंडल कभी नहीं देखी होगी। ये डेकोरेशन की डेकोरेशन और कैंडल की कैंडल है। साथ में इससे आपका पूरा कमरा खुशबू से महक उठेगा। इस कैंडल को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। सारे घर वाले इस कैंडल को देखकर आपसे खुश होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।